brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. मोदी जी आते हैं, देश के वजीर आजम हैं, उनकी जबान से इस तरह के वर्ड जो मुसलमानों के लिए नफरत और कड़वाहट घोलती हुई नजर आती है, तो वो शोभा नहीं देता। क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये जरूरी नहीं लगता कि जो बात कहें वो फैक्ट पे बेस्ड हो? हाँ, मेरी पसंद तो गठबंधन है और गठबंधन में खासतौर से कांग्रेस है, और मैं दो लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रियंका और राहुल जी का। बाद में एक नारा जो हमें पिछले चुनाव में नजर आया था कि चौकीदार देश के चौकीदार, आज अगर कहें कि पेपर लीक और पेपर पास कराने में अगर कोई चोर नजर आया तो हमें तो सरकारी चोर नजर आई। अगर आप वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में आपने पिछली बार कह दिया 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, गंगा सफा योजना होगा, तो आपको सबको पता है वो जुमलेबाजी है सिर्फ। न्यूज तक मुक्कड़ इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त खड़ा है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि बेरोजगारी पर बात होती है, पेपर लीक पर बात होती है, छात्रों के जो भी मुद्दे हैं जो 2024 चुनाव में भी प्रभावी हो सकते हैं, विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठाता रहा है, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग बताइए, इस वक्त बढ़िया माहौल चल रहा है, चुनाव वाला सीज़न है एकदम? हाँ, चुनाव वाला सीज़न है, सर्मा गर्मी चल रही है सबकी। गर्मी में मुश्किल है ना चुनाव होना? नहीं, चुनाव तो मुश्किल नहीं है गर्मी में या सर्दी में, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव में ही बाजार गर्म होता है, चुनाव में ही सबको अपने दर्द की याद आती है, और चाहे वो मजदूर तबके की बात करूं, किसान तबके की बात करूं, या स्टूडेंट्स की बात करूं, या महिलाओं की बात करूं, जितने भी राजनेता हैं या नेता हैं या जितनी पार्टी हैं, सबको उसी वक्त पे सबके दर्द नज़र आते हैं और इसी से गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्मी का मौसम तो ये कुदरती है, लेकिन गर्मी वैसे बढ़ी हुई है क्योंकि बीजेपी की हालत पतली है हालत, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा, आप घूम रहे हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, और मीडिया वैसे झूठ दिखा रही है आजकल, लेकिन अगर सच दिखाने पाए तो मैं समझ सकता हूँ कि गठबंधन की गुड़ गाएगी। क्या कह रहे हैं? गठबंधन, गठबंधन की गुड़ गाएगी अगर मीडिया सच दिखाए तो, क्योंकि गठबंधन ने जिस तरह से मेहनत की है, खासतौर से मैं प्रियंका जी और राहुल जी की बात करूंगा, तो ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट साउथ चारों दिशाओं में जिस तरह से उन्होंने जो तोड़ मेहनत की है, पैदल यात्रा की, न्याय यात्रा की, और उसमें कई यात्रा को शामिल करते हुए युवाओं को अपने पीछे लाने की कोशिश की गई है, युवाओं को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, प्रियंका जी महिला की आवाज़ बनी हुई है इस टाइम, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो ये पूरी जो सरगर्मियाँ हैं ना, इसे मीडिया दिखाना नहीं चाह रही, और मीडिया अगर बात करना आना चाह रही है तो किस पर बात करना चाह रही है? मज़हब पे, हिंदू मुस्लिम पर बात करना आना चाह रही है? आप धर्म की राजनीति कब तक करेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप बात नहीं करते मणिपुर के दंगों की, आप बात नहीं करते किसान आंदोलन की, आप बात नहीं करते CNRC में जो लोग जख्मी घायल हैं, जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं स्टूडेंट की, आप बात नहीं करेंगे उनकी, आप ना बात करेंगे उनकी जो महिला बेचारी उनके साथ रेप होता है और रात रात में उनकी चिता जला दी जाती है। मैं ज़्यादा दूर बात नहीं कर रहा, मैं हाथरस की बेटी की बात कर रहा हूँ जो वाल्मीकि समाज की थी, आज सारे समाज काम मिट गए, मेरे समझ में नहीं आता। आज जब चुनाव की बात आती है तो अपरकाश नज़र आता है, आज चुनाव की बात आती है तो यादव जी नज़र आते हैं, आज चुनाव की बात आती है तो पंडित नज़र आते हैं, आज चुनाव की बात आती है तो ब्राह्मण बनिया ये सब नज़र आते हैं। मेरा सिर्फ निचोड़ बात का इतना है कि अगर चुनाव की बात है, एकता की बात है, इंसाफ की बात है और इत्तेहाद की बात है, क्यों नहीं सबको इंसान कहा जा रहा? क्यों नहीं इंसान कहा जा रहा? वोट की वैल्यू तो बराबर है सबकी, चाहे हिंदू डाले या मुस्लिम डाले, वोट तो वोट है, एक वोट की पावर एक वोट है, और वोट की पावर से ज़्यादा कोई पावर है नहीं। लेकिन आज हम लोग, या मैं ये कहूँ कि आम पब्लिक जो है वो गुमराह हो चुकी है जिस तरह से बड़े बड़े कौन कर रहा है गुमराह। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि बीजेपी की ज़्यादा ढोंग रचे हैं इस बार गुमराह करने के लिए लोगों को, लेकिन ये 2014 से 19 तक तो चला था गुमराह वाला नाटक, लेकिन जो 24 का इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है, 2024 का जो लोकसभा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी अलीगढ़ आते हैं, योगी जी अलीगढ़ आते हैं, अलीगढ़ की सभाओं में अपनी रैलियां करके जाते हैं, स्पीचें देते हैं, मुसलमानों के लिए नफरत भरी जबान का इस्तेमाल करते हैं। आपने वो बात सुनी जो हाल में उन्होंने कही, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल है? हाँ हाँ, मैंने सुना, मैंने उसी पर आपके क्या विचार? मैं उसी पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी आते हैं, देश के वजीर आजम हैं, उनकी जबान से इस तरह के वर्ड जो मुसलमानों के लिए नफरत और कड़वाहट घोलती हुई नज़र आती है, तो वो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो देश के वजीर आजम हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक बड़े पद पर हैं, आप देश की बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, आप सिटीज़न हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, आपको सबको देखना होगा एक समान। लेकिन मोदी जी का जो आजकल अंदाज़ है मुझे नज़र नहीं आ रहा सही, और अलीगढ़ सीट की अगर मैं बात करूँ
इसमें तीन कैंडिडेट हैं, बंटी उपाध्याय, सतीश गौतम और विजेंद्र साहब। मैं आपको बता दूं कि आज हालात ये हैं अलीगढ़ के अंदर बीजेपी के, कि बीजेपी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो लेटर लिख के आम पब्लिक से ये डिमांड करते हैं कि सतीश गौतम को वोट दें, वोट दें, वोट दें। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि सतीश गौतम साहब की जिन्ना की तस्वीर चली नहीं इस बार, समझ रहे ना, जिन्ना की तस्वीर चली नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोई लांछन लगा नहीं पाए वो इस बार, क्यों? लांछन लगाते हो तो जवाब मिलता नहीं है, क्योंकि इंसान समझ जाता है, एक बार जवाब दे दिया, दो बार जवाब दे दिया, हर बार एक इंसान का जवाब नहीं दिया जाता। तो जिसकी वजह से उनकी राजनीति और आपस में जो उनके मतभेद हैं पार्टी के अंदर और जो उनकी अपोजिशन है आपसी के अंदर, तो उसकी वजह से सतीश साहब को नुकसान हो रहा है। इधर बंटी उपाध्याय साहब हैं जो पहले बीजेपी में थे, लेकिन वही है ना, एक एंगल दो निशाने। तो बंटी उपाध्याय बीएसपी से टिकट लिया है, वो लोगों के बीच में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके नेता हैं। तो ये ऐसा नहीं है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, बीजेपी का जो है वो बीजेपी का रहेगा, जो आम है वो आम रहेगा। इधर विजेंद्र साहब की मैं बात करूँ, विजेंद्र साहब की मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है, वो बंदा पिछले दो चुनाव हारा हुआ है, एमपी के दो चुनाव हारा हुआ है, उन्हें पिछले चुनाव में कई गाँवों से बाकायदा उन्हें बेइज्जत करके भगाया गया, आज उन्हीं गाँवों ने उन्हें इज्जत से बुलाया गया, उनका स्वागत किया गया, उनके लिए जितने खिदमत अंजाम देनी थी वो खिदमत अंजाम दी गई। सारा जो विजेंद्र साहब का जो इलेक्शन है वो ज़मीनी इलेक्शन हुआ रहा है, वो गाँवों में मेहनत कर रहे हैं, वो शहरों में मेहनत कर रहे हैं, वो आम पब्लिक में मेहनत कर रहे हैं। वो अलीगढ़ से आपकी पसंद वही है? हाँ, मेरी पसंद तो गठबंधन है, और गठबंधन में खासतौर से कांग्रेस है, और मैं दो लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रियंका और राहुल जी का, क्योंकि उनकी जो मेहनत है और युवाओं के लिए, क्योंकि उनके जो वादे मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, रोज़गार से लेकर, स्कॉलरशिप से लेकर, महिलाओं से लेकर, किसानों से लेकर, MSP तक की बात करी है उन्होंने, और जाहिर सी बात है जहाँ सरकार आएगी वो अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। आप जो ये बात कह रहे हैं अलीगढ़ को लेकर, आप सहमति रखते हैं इनकी बात से? हाँ, इनकी ज़्यादातर बात से मैं सहमत हूँ, सही कह रहे हैं। अलीगढ़ में जो इस टाइम जो माहौल है वो गठबंधन की तरफ ज़्यादा माहौल है, क्योंकि अलीगढ़ के जो MP हैं सतीश गौतम साहब, ये 10 साल से MP हैं, तो इनके खिलाफ बहुत सारे जो बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी है, क्या जो बात चल रही है कि सतीश गौतम के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी? 10 साल से MP हैं, और पूछ लिए आप किसी अलीगढ़ के 95% लोग इनके खिलाफ हैं, बहुत सारे इन्हें वोट भी देंगे, वो मोदी जी योगी जी की वजह से इन्हें वोट देंगे, इनकी अपनी कोई ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। आप ग्राउंड में जाके मालूम कर लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिए, वो भी इनके खिलाफ है, वो भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो भी चाह रहे थे किसी और को टिकट दी जाए, इनकी टिकट रोक भी दी गई, काफ़ी टाइम तक टिकट डिक्लेयर नहीं करी, अलीगढ़ की आसपास की सारी सीटों की टिकट कर दी थी, लेकिन इनकी रोक दी गई, लेकिन फिर दे दी इन्हें टिकट लास्ट में जाके। लेकिन मैं एक बार फिर से अपने विषय पर आऊँगी, आपने कहा कि सिर्फ धर्म जात की बात होती है, यहाँ पर मैं खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेरोज़गारी, जो शिकायतें स्टूडेंट्स की रहती हैं, छात्रों की रहती है, युवाओं की रहती हैं, जो जाते हैं रोज़गार नहीं मिलता, या पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, इस तरह की और जो समस्याएं हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। अच्छा, ये बताइए, ये जो बेरोज़गारी को लेकर लगातार विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है, कई लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि बेरोज़गारी है भी सही, आपको लगता है बेरोज़गारी है नहीं है? मैम, पहली बात तो ये कि जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बात करी कि जो चश्मा पहना गया है वो सिर्फ मज़हब के नाम पे पहना गया है, और आप भी यहाँ पे आए थे तो यही देखने आए थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या कहते हैं। आपने स्टूडेंट का नहीं फिक्र किया कि स्टूडेंट के साथ में मसाइल क्या हैं, आपका भी एम यही था कि पहले हम ये जान लें कि मुस्लिम स्टूडेंट क्या सोचता है। सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी यही एजेंडा रहा है। अब आप बताइए कि जो अभी आपने भाई एक सवाल पूछा था कि हाल फिलहाल में जो हेट स्पीच हुई, उसमें क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये ज़रूरी नहीं लगता कि जो बात कहें वो फैक्ट पे बेस्ड हो, क्या वो तत्व बेस्ड हो? क्यों ऐसी बात कही जाती है जो बोगस होती है, और वो पब्लिक के लिए फिर वो फैक्ट बन जाती है, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कही है। जो स्टेटमेंट कोट किया जाता है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का कोट किया जाता है, जो कि इनकम्प्लीट कोट किया जाता है। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स बीच में से कोट कर देते हैं, सेम उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर कोट कर रहे हैं बीच में से। तो सवाल ये है कि पूरी मशीनरी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एक स्पेसिफिक सोच के साथ में कैंपेन कर रही है, स्पेसिफिक थॉट्स को प्रमोट कर रही है, तो ऐसे माहौल में स्टूडेंट का एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कोई बात क्यों करेगा कोई? पब्लिक डोमेन में जब हमेशा यही बात जाएगी जो क्या कहते हैं रिलीजन बेस्ड हो, तो फिर पब्लिक उसको डिस्कस नहीं करेगी। जनता का जो आम पब्लिक है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका ओपिनियन कौन मानता है?
मेरे घर में भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ओपिनियन कौन बनाता है? उनको ओपिनियन आप लोग बनाते हैं, मीडिया वाले। और वो मीडिया वाले कैसे ओपिनियन बनाते हैं? क्योंकि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे जो लोग हैं, जो बात कहते हैं आप उसको इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि बिल्कुल यही सही सत्य है। क्यों वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, एक ही बात को प्रमोट किया जा रहा है? क्यों नहीं कहा जा रहा कि वहाँ पे दलितों के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे वमेन के बारे में बात हो रही है? उसके साथ में कहा गया कि स्पेशली जो है मुस्लिम्स के साथ में फिर उनके अपलिफमेंट की होने की ज़रूरत है। ये तो सचर कमेटी की रिपोर्ट ने भी कहा था कि मुस्लिम को अपलिफमेंट करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ पर अगर आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं या आप पब्लिक का माहौल जहन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ये सब जो डिस्कशन आप करना चाह रही हैं कि भाई रोज़गार ये वो, ये तो सिर्फ एक आप यहाँ पे कवर करने के लिए आए इसलिए आप इसको कह रहे हैं। लेकिन अगर कहीं और कवर करे जाएंगे तो फिर यही बात होगी, भैया किसको वोट दे रहे हैं, कौन है, और वहाँ पे क्या होता है थॉट? वहाँ पे सिर्फ होता है भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लोग को वोट कर रहे हैं। नहीं देखिए, हम कई जगह जा रहे हैं और आज से नहीं, मैं बहुत पहले से बेरोजगारी और ये तमाम इशूज कवर कर रही हूँ, वो खैर एक अलग बात है। लेकिन अपने विषय पर वापस लौटेंगे, जो हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी, पेपर लीक, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं या स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, और जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में जो आप बात कर रहे थे, आपको लगता है कि दूसरा कोई ऐसा अल्टरनेटिव है देश में जो अपने जो वादे कर रहा है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे कर रही है, वो पूरे हो सकते हैं? बहुत पहले एक सज्जन ने बात कही थी कि आप ये ना देखो कि पार्टी किसकी है, ये देखो कि आपके इलाके से कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तो अभी हमारे पास अलीगढ़ में 3 लोग मौजूद हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एक आपके फॉर्मर कह लीजिए कि अभी भी ऑन गोइंग है जो एमपी हैं सतीश गौतम साहब, एक आपके जो पुराने एमपी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह, और एक हमारे बीएसपी से कैंडिडेट हैं। तो अभी मैं अलीगढ़ के लोगों से जो मैं समझ पा रहा हूँ या जिन लोगों से बात हुई है, उनका बेसिक फंडा ये है कि हम इन तीनों में से चुनना है हमें, नहीं मतलब कांग्रेस से आते हैं, नहीं मतलब एसपी से आते हैं, नहीं मतलब बीएसपी से आते हैं, बीजेपी से आते हैं, इन तीनों में से चुनना है। और अगर आप अलीगढ़ की पूरी हवा में घूम जाएं तो आपको पता लग जाएगा आंसर क्या है। तो इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हम बात करते हैं कि सांसद या उम्मीदवार के चेहरे को लोग देखते भी हैं या आजकल बड़े चेहरे को ही देखकर वोट जा रहा है? अलीगढ़ की जनता समझदार है, अलीगढ़ के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, अलीगढ़ के लोग अपने सांसद के चेहरे को देख रहे हैं और उसके हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन किस दिशा में ये हवा चल रही है वो तो आप चेक करेंगे, मैं तो अकेला इंडिविजुअल आदमी ना, आप जाइए, आप भी वोटर हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते होंगे, वोट से हवा नहीं बनेगी ना, वो तो आप पता करेंगे कितने लोग जो है। जरूर वही करने हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन और भी लोगों को जोड़ेंगे, आप लोग भी एक बार फिर से जुड़ जाइए इस बातचीत में। जो हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सारी समस्याओं को लेकर, आप जब स्टूडेंट्स के बीच में निकलते हैं, इसके अलावा भी कोई समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं आमतौर? नहीं, इससे बड़ी समस्या यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसे विश्वविद्यालय हैं और भी इसके अलावा भी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फ़ंड बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ सेंटर हैं जो मल्लमपुरम हैं और मुर्शिदाबाद हैं, उनके सेंटर की आपने बजट की कटौती की, वहाँ से आपने रिलीज़ किया, किसी तरह से आप रिलीज़ कर दिया आपने ऑन पेपर, लेकिन आपने एक हार्ड कैश नहीं दिया। तो ये सारी समस्या हैं अभी स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एजुकेशन के नाम पर कोई टेस्ट कराते हैं, आप किसी एंट्रेंस कराते हैं, बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और एक लास्ट में जिस दिन टेस्ट देने जाता है उसे पता चलता है टेस्ट देने के बाद वो पेपर लीक हो गया, तो ये बड़ी समस्या है। और उसके बाद में पता चलता है कि लीक करने वाले कौन और कराने वाले कौन, कि वही जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे वो योगी की बात करें या मोदी जी की बात करें। तो हम जिसकी तरफ नज़र उठा के देखें वही चोर नज़र आता है। और बाद में एक नारा जो हमें पिछले चुनाव में नज़र आया था कि चौकीदार देश के चौकीदार, आज अगर कहें कि पेपर लीक और पेपर पास कराने में अगर कोई चोर नज़र आया तो हमें तो सरकारी चोर नज़र आई। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आप बात करिए बेसिकली जो है मणिपुर के अंदर जिस तरह से बेटी को नंगा घुमाया गया, आप उसको क्यों नहीं बात कर सकते? आप बात करिए, आप महिलाओं की सुरक्षा पर बात करिए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप किसानों के हित के लिए बात करें, आप स्टूडेंट के ऊपर जो रॉन्ग चार्जेस लगे हुए हैं, FIR लगी हुई हैं, आप उनके लिए बात करें, आप जामिया हमदर्द के लिए बात करें, आप JNU के लिए बात करें। क्योंकि आज अगर बात करने पर मुद्दों पर बात करने पाएंगे तो मुद्दे बहुत हैं लेकिन मुद्दों पर बात करने वाला कोई नज़र नहीं आता। अगर आप वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में आपने पिछली बार कह दिया 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, गंगा सफा योजना होगा, तो आपको सबको पता है वो जुमलेबाजी है सिर्फ। आपको भी लगता है जुमलेबाजी है ये जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा, अभी कुछ 2 साल पहले भी एक वादा किया गया रोज़गार को लेकर?
हाँ बिल्कुल, जुमलेबाजी है ही। आप देख लिए जो 2019 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, वो देख लिए उन्होंने कितने रोज़गार देने का, करोड़ों रोज़गार देने का वादा किया था, कितने दिए, लाखों करोड़ों जो रेलवे में और दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी खाली है उनको भरा नहीं गया। और अभी ये पुलिस भर्ती हुई थी 50-60 हज़ार की, इसमें 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और कुछ यूपी के थे, बिहार के थे सब, और दूसरे राज्यों के लोग थे, तो वो पेपर लीक हो गया। आप बताइए इसका क्या करा जा सकता है, मतलब पेपर, आप एक पेपर उसको सही से करवा भी नहीं सकते, इतना बड़ा आप पेपर करवा रहे हैं लाखों लोगों का, वो सही आप करवा भी नहीं सकते, तो ये सरकार फिर किस काम की, जो एक एग्ज़ाम ही, और आरओ का पेपर भी लीक हुआ है और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, जब इतने एग्ज़ाम ही नहीं करवा पा रही है सरकार तो क्या करेगी आगे, बताइए। जो योगी जी पे ये देखना चाहिए इसको, ये सब चीज़।